हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 8 बजे हैं और आप कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आए हैं और हमारे और हम सबके प्यारे दुलारे इरफान खान जी की ट्रेनिंग को सुनने आए हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि जो हमारे इरफान खान जी हैं एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का वो एक्सपीरियंस था ही नहीं, जिस एक्सपीरियंस के बूते नेटवर्कर्स एक अलग मकाम स्थापित करते हैं। एक साधारण बच्चा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक ना जाना हो और पहली ही मुलाकात में वर्ल्ड क्लास कंपनी मिल जाए, जिसने हजारों की जिंदगी को परिवर्तित करने का संकल्प लिया हो, तो जिंदगी कैसी हो सकती है इसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं। अब आप यकीनन कर सकते हैं क्योंकि हमारे इरफान खान जी जब अपने जीवन के बारे में आपसे बातें करेंगे कि पहले ये कैसे 10,000, 12,000, 8,000, 10,000 की नौकरी किया करते थे और कैसे इतनी कम उम्र में ये नौकरी से छुटकारा मिला और कैसे रेनेडस का साथ मिला, रेनेडस की दुनिया में कैसे इन्होंने सफलता के शिखर को चूमा। जब ये अपनी सफलता की गाथा को अभिव्यक्त करेंगे आपके समक्ष तो यकीनन आप भी अपनी लाइफ को कोरिलेट कर पाएंगे रेनेडस की दुनिया से। व्हाई रेनेडस, लोग बार बार पूछते हैं। 3 जुलाई 2018 को एक ऐसी क्रांति का शुरुआत हुआ, एक ऐसी क्रांति का जन्म हुआ हिंदुस्तान के सरजमीन पर, जिस क्रांति ने पूरे विश्व को एक मैसेज दिया, एनी बॉडी कैनर। रेनेडस वेलनेस एक ऐसी कंपनी जिसने रीडिफाइनिंग वेलनेस का एक स्टेटमेंट डिलीवर क्या किया, मार्केट में फिर से लोगों का पुनर्जन्म होना प्रारंभ हो गया, नई जिंदगी। जो लोग उम्मीदें छोड़ चुके थे अपने जीवन में हेल्दी लाइफस्टाइल की, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल मिलना प्रारंभ हो गया। जिन्होंने जीवन में सपने छोड़ दिए थे कि मैं जीवन में फिर से समृद्ध हो पाऊंगा, ऐसे लोगों को समृद्धि के रास्ते तक पहुंचा दिया हमारे रेनेडस वेलनेस ने। तो आइए मिलकर देखते हैं कि किन रास्तों पे चलकर, किन गलियारों से होकर रेनेडस ने 154 करोड़पति बनाए और 154 करोड़पति बनाने के दरमियान इसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे हम सबसे डिफरेंट हैं और यूनिक हैं। बार बार हम क्यों इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इतना बेहतर कम्युनिकेशन हमारा है, कंपनी इस मकाम तक कैसे पहुंच पाई है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको इलुस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो रेनेडस वेलनेस ये कमांडो ट्रेनिंग है और कमांडो ट्रेनिंग बैक टू बैक एक इतिहास रचती हुई जा रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर मिल रही है, जरा कमेंट का ऑप्शन में बता देंगे, जैसे अगर आवाज मेरी ना मिल रही हो तो मैं कोई दूसरा रास्ता, कुछ दूसरा विकल्प ढूंढूंगा, दूसरा ऑप्शन। तो कृपया हमें ये कंफर्म बताएं कि क्या मेरी आवाज क्लियर मिल रही है आपको। थैंक यू, मेरी आवाज मिल रही है। ये जो आप बॉटल देख रहे हैं, आपके समक्ष एक बॉटल है, फ्रूट रूट बेरी शेरी मशरूम एंड लीफ का कॉम्बिनेशन है। मार्केट में तो प्रोडक्ट्स बहुत हैं, बहुत कंपनियों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे अपने रास्तों को बनाया है, बुना है, खुद को बुनियाद खड़ी की है, लेकिन रेनेटस ने कहा कि हम उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करते हुए जो ह्यूमन बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। और रियलिटी यही रहा कि जो इस कंपनी के सिद्धांततः कहे गए शब्द थे, जो प्रमाणित किए गए 6 साल के रिसर्च के बाद, आज हम सब गर्व से कह सकते हैं कि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ की संरचना इतनी इतनी डिफरेंट तरीके से तैयार की गई है कि एनी बॉडी कैन अर्न, एंड कोई भी अपनी जिंदगी में उन पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सकता है पुनः, जिस पोषक तत्वों की कमी से गंभीर बीमारियों को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। गंभीर से गंभीर बीमारियों को नष्ट नाबूद करने का ये प्रॉपर रेसिपी है, ये कॉम्बिनेशन है,
अगर इसका प्रयोग कोई आम इंसान अपनी जिंदगी में करता है तो उसको वो पोषक तत्व मिल सकता है जिस पोषक तत्वों की कमी से समस्याएं गंभीर से गंभीर होती है। विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोन, जो बेसिक नीड है बॉडी की ना, वो कंप्लीट आपकी सारी डिफिशियंसीज को ये फुलफिल कर सकता है, आपकी कमियों को ये भर सकता है। इतनी काबिलियत है इस एक डब्बे में, सर के बाल से पैर के नाखून तक ख्याल रख सकता है आपका। ये नेचुरल रेगुलेटर इंक्लूडेड है इसके साथ। शरीर की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लेने की ताकत रखता है ये कॉम्बिनेशन। ये यू ही खास रेनेटस नोवा नहीं बना है, जिसने भी आज आपको पूरे भारतवर्ष में आपको आमंत्रित किया है आज की ट्रेनिंग में, उसने ये आपको एहसास जरूर कराया होगा रेनेटस की ताकत के बारे में। रेनेटस में कहां कहां रिजल्ट्स मिले, कैसे कैसे रिजल्ट्स मिले, तो रिजल्ट्स इन्हीं फैक्ट्स पे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं, चाहे किसी भी समस्या के बारे में उन्होंने आपको बताया हो, ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी इतने बड़े रिजल्ट्स मिले। ये वो फूड सप्लीमेंट है जिस फूड सप्लीमेंट की नीड है आज हर एक शख्सियत को नीड है इसकी। इसके बगैर जीवन की परिकल्पना करना भी अब मुमकिन नहीं है। 9 इंग्रेडिएंट्स का सहारा लिया गया इसके साथ, और 9 इंग्रेडिएंट्स क्या है आप गौर से देखिए। पहला इंग्रेडिएंट्स मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसने लोगों को एक डिफरेंट मैसेज दिया स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस में। विटामिन बी नाइन का कॉम्बिनेशन, विटामिन बी नाइन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो GLA पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस एंड खुद के कॉम्बिनेशन ज़ेनोथॉम्स की मदद से गंभीर से गंभीर स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस को खुद अकेला ही नस्तोनाबूद कर सकता है। एक ऐसा एकमात्र मैंगोस्टीन कॉम्पोजिशन जो आपके शरीर से सफेद दाग को नष्ट कर सकता है और आपके शरीर के स्किन को पुरानी अवस्था में पहुंचा सकता है। एक अकेला कॉम्पोजिशन जो कैंसर से लड़ने की ताकत रखता है ज़ेनोथॉन्स की बदौलत, डिफरेंट तरीके से जूझने की ताकत रखता है, भिड़ने की ताकत रखता है, खून की कमी को बढ़ाने का कार्य करता है, खून की कमी से जो शरीर में चैलेंजेस आ रहे होते हैं खून की पूर्ति करता है ज़ेनोथॉन्स की बदौलत। जब डिटेल ट्रेनिंग में मैं एक्सप्लेन करूंगा इलस्ट्रेटिव में, उस वक्त आप समझ पाएंगे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस पे आपको विजय प्राप्ति करता है, लेकिन ये दवाइयां नहीं है ना हमारे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर है। ये वो पोषक तत्व है जिस पोषक तत्वों की कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से शरीर में आपके कुछ चुनिंदे पार्ट्स को प्रॉपर फंक्शनिंग सप्लाई करना बंद कर दिया, यही सबसे बड़ा रीजन होता है। प्रॉपर कहीं ना कहीं विटामिन मिनरल बेसिक कॉम्पोजिशन की जो डिफिशियंसी होती है ना, ये मजबूर कर देती है लोगों को जिंदगी के साथ कनेक्ट ना करने के लिए। मैं माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस है, मैक्सिमम 2 मिनट का मैं टाइम दूंगा।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूंगा, माकारोट। मैंगोस्टीन ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, अब मैं बात करूंगा माकारोट के बारे में। माकारोट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके विटामिन B6 की संरचनाएं अद्वितीय है, अकल्पनीय है। विटामिन B6 जब सियानिडिन, ज़ेनाथॉन्स एंड पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संगत में आता है तो यह इम्पोर्टेंसी की कंडीशन को कंप्लीटली नस्तोनाबूद करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि नपुंसकता। प्रीमेच्योर एजेकुलेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, नाइट इमिशन पे बहुत अच्छा काम करता है, बाल्डनेस की कंडीशन पे बहुत अच्छा काम करता है। इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, ये थायराइड की कंडीशन में भी बहुत ज्यादा सहायक है। ये माकारोट की खासियत है। साइबेरियन जनसंघ की बात करूं तो घुटने से रिलेटेड कितने भी गंभीर चैलेंजेस हो उस पर ये आपको विजय प्राप्त करा सकता है। ये शरीर में जहां भी जॉइंट पेन हो उसको ये क्योर कर सकता है। हृदय से रिलेटेड चैलेंजेस में भी ये बहुत ज्यादा सहायक साबित होता है क्योंकि विटामिन D और विटामिन B12 की संरचनाएं इसके साथ में मौजूद होती है, और इसने ना जाने कितने हजारों हजार रिजल्ट्स प्रदान किए हैं पूरे भारतवर्ष में। यही रीजन है कि हम आज डंके की चोट पे कहते हैं हमारा मुकाबला न कल किसी के साथ था, न हमारा मुकाबला आज किसी के साथ है, तो हमारा मुकाबला कल किसी के साथ होने की संभावनाएं हैं। रेनेडस का मुकाबला अगर किसी के साथ कल भी होगा या आज भी है तो इसका मुकाबला सिर्फ रेनेडस के साथ ही है। इस बात को आप कभी भूल नहीं सकते क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स अद्वितीय है, अकल्पनीय है। 6 साल के रिसर्च के बाद पहचाना गया है ह्यूमन बॉडी की नीड क्या है, ह्यूमन बॉडी की जरूरत क्या है, ये एहसास कराया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार, किसी भी प्रकार के एलर्जी को अकेला क्योर कर सकता है ये एल्डरबेरी। बहुत दिनों तक इसके ऊपर भी रिसर्च चला। रॉसबेरी कैंसर, हार्ट डिजीज, पार्किंसन से रिलेटेड चैलेंजेस में, चेहरे में ग्लो लाने के लिए, डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स जब डाउन हो रहा होता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन है। ब्लैक करंट की बात करूं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड के साथ ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का कार्य करता है। साथ ही साथ पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस एंड गामा लियोलेनिक के साथ ये पैरालिसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस यानी कि लकवा जैसी गंभीर से गंभीर समस्याओं पे ये विजय प्राप्त कराता है, डायबिटीज टाइप 2 पे। और सबसे बड़ी बात की दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। मैं बार बार इस शब्द का, इस लाइन का प्रयोग करता हूं, इस वाक्य का प्रयोग करता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस पोषक तत्व की जरूरत है आपको उसके लिए दवाइयों की नीड क्या है। सिर्फ दवाइयों पर जिंदा रहना होता तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं थी। आज के ट्रेंड में ऐसा ही चल रहा है कि लोगों की दवाइयां बढ़ती जा रही है, भोजन कम होता जा रहा है। डायबिटीज हो गया किसी को तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप चावल ना खाएं, आप आलू ना खाएं, आलू से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा नहीं, चावल की संरचनाओं का प्रयोग आप ना करें। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई तो तला बुना नहीं खाना है, डेफिनेटली अच्छी बात है। किसी को किडनी से रिलेटेड चैलेंजेस हो गई तो भाई अब पानी नहीं पीना है, दवाइयां बढ़ती जा रही है। जिंदगी लगातार मौत के बेहद करीब पहुंचती जाती है, लेकिन लोग करें तो करें का, दे डोंट हैव चॉइस, दे डोंट हैव चॉइस। लोग खुद से पूछते हैं व्हाट शुड आई डू इन दिस कंडीशन, करना क्या चाहिए मुझे। अरे करना तो जब था उस वक्त आपने किया नहीं, करना ये था कि जब आपको छोटी बीमारी यानी कि डायबिटीज जैसी कंडीशन, जब पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, बीटा सेल डेड हो गया, उस वक्त आपको करना था कि सॉलिड पोषक तत्व की पूर्ति कराएं शरीर में जो आपके सेल को रिवर्स कर सके, सेल को रीहील कर सके, सेल को रीजनरेटिंग मोड तक पहुंचा सके, सेल टिश्यू ऑर्गन पे काम हो सके। आपने तो डॉक्टर साहब को दरवाजा ठकठकाया, आपने आर्टिफिशियल सपोर्ट लिया, आपने नेचुरल सपोर्ट को अवॉइड किया। नेचुरल सपोर्ट को अवॉइड किया तो गंभीर बीमारियों का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा करने। और मार्केट में साहब एक शब्द और एक लाइन में बयां कर रहा हूं, इस लाइन को आप कहीं रिकॉर्ड कर लेंगे अपने माइंड में कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ केयर हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस ने केयर करने की जिम्मेदारी दी है, क्योर करने की नहीं। क्योर करना होगा तो जहां से
उन समस्याओं का जड़ है, वजूद है, उस वजूद तक पहुंच के उसे नष्ट नाबूद करना होगा, तभी जाकर क्योर हो सकता है। केयर करने के लिए तो बड़े बड़े डॉट 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 डॉक्टर बैठे हुए मार्केट में, क्या बयां करूं, किन शब्दों को चुनकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। ये बस ध्यान रखना है, ये पोषक तत्व है, ये फूड सप्लीमेंट है जो आपके मुकद्दर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। जरूरत है आपकी, इसने आम इंसान को खास बनाया है। लोगों में अगर पहले ही काबिलियत होती तो सारे लोग करोड़पति तो 2018 से पहले भी होते। ये 154 करोड़पति कैसे बन गए, 500 मिलीनियर कैसे बन गए? अरे उनके अंदर अगर बहुत टैलेंट होता तो 2018 से पहले भी तो उनके परिवार के सपने थे, उनके अरमान थे, उनके अरमान तो 2018 से पहले भी पूरे हो जाते। क्यों रेनेटस में आके ही उनके अरमान पूरे हुए? क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ कहता नहीं है, दम है साहब, दम है। इससे सस्ता, इससे अच्छा ढूंढते रह जाओगे साहब, ढूंढते रह जाओ। और जहां प्रोडक्ट और प्लान का कॉम्बो मिल जाए, जीत आपकी सुनिश्चित हो जाती है, पर आपको परास्त नहीं कर सकता कोई। सॉर्चेरी, ध्यान से देखिए इसको, सियनाडीन क्लोरोजेनिक एसिड, ऐसा नेचुरल कॉम्बिनेशन जो शरीर के किसी भी पार्ट की गांठ को अकेला गला सकता है, नींद ना आने की समस्या हो उसको ठीक कर देगा। विटामिन सी का डिफरेंट सोर्स, जो कितना भी खतरनाक करोना हो उसको ये याद दिला देगा कि वी आर रेनोवियन। हम सर्दी खांसी बुखार और एलर्जी को एक डिफरेंट मैसेज देते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं। ये हम लक्ष्मण रेखा खींचते हैं कि कहीं भी लंग के अंदर स्प्रेड नहीं कर सकता। तो ये क्वालिटीज हैं इन प्रोडक्ट्स की। जेनोडर्मा ल्यूसीडियम डायबिटीज टाइप 2, कैंसर, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस में बहुत सहायक की भूमिका अदा करता है, और सिगरू का 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। जिंदगी को इसने डिफरेंट तरीके से जीने का एक रास्ता दिया है लोगों को। 200 से ज्यादा गंभीर समस्याओं पर यह अकेला विजय प्राप्त करा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को? यकीनन समझ रहे। इस तरीके से इसके रिजल्ट्स हैं। फ्री एडी रजिस्ट्रेशन है, 1794 रुपए का एमआरपी है, 1350 रुपए में ये प्रोडक्ट बन सक मिल सकता है आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने पे। 10 तरीके की इनकम है, आप स्लो ट्रैक में 3296-160 से जुड़ सकते हैं, फास्ट ट्रैक के लिए 288-640 से जुड़ सकते हैं। आप जिनके भी माध्यम से आए हैं, आप उन्हें संपर्क करें कि सर स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक के बारे में बात कर रहे थे ऋषिकेश पाठक जी, वो क्या होता है, मुझे फास्ट ट्रैक से जुड़ना है। क्योंकि फास्ट ट्रैक पे आप कहां पहुंचते हैं मैं आपको दिखाता हूं। स्लो ट्रैक से चलेंगे तो 1000 रुपए वीकली तक भी पहुंचेंगे, 2500 वीकली तक भी पहुंचेंगे बहुत फास्ट। लेकिन फास्ट ट्रैक से चलते हैं तो पहले हफ्ते में आप 7800 रुपए वीकली तक पहुंच सकते हैं टीम डेवलपमेंट बोनस को इंक्लूड करके। दूसरे हफ्ते में 10000 वीकली तक पहुंच सकते हैं, और फास्ट ट्रैक का ही सहारा अगर आपने लिया है तो 30000 वीकली तक भी 45 दिनों के अंदर आप पहुंच सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे दिग्गज एग्जाम्पल स्वरूप हैं जिन्होंने इस मकाम को पूरे भारतवर्ष में अचीव किया है। सीनियर एग्जीक्यूटिव भी 55,000 से 75,000 रुपए कमाने की श्रेणी में आप पहुंच सकते हैं। रीजनल 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के रेंज में आप 1 साल के अंदर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 1 साल के अंदर 4 लाख से 5 लाख रुपए भी इनकम कमाए हैं, और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 2 साल में सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव रैंक भी प्राप्त किया है, जहां पे 7 लाख से 9 लाख रुपए इनकम रही है। और रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव भी लोग 20 लाख 25 लाख रुपए वीकली तक पहुंचे हैं 3 सालों के दरमियान। और 2-3 ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सिर्फ 2 साल में ये रैंक भी प्राप्त किया है, जिसका नाम है फाउंडर एलाइट एग्जीक्यूटिव 25 लाख से 30 लाख। और इसी चैनल पे आप सुन चुके हैं, रात 9 बजे आप सुन चुके हैं तीन दिग्गजों को, वीरभान चौधरी, लखविंदर सिंह खंगूरा जी एंड सेखू साहब, राजवीर सिंह सेखू साहब इस रैंक पर सुन चुके हैं आप। इन लीडर्स को आपने सुना है जिन्होंने 2 साल में 5 करोड़ रुपए को अर्जित किया। Anybody can earn in Renatus. रिट्रीट की बात आती है तो मैंने कल अनाउंसमेंट किया था रिट्रीट के बारे में, क्या आपने रिट्रीट क्लेम कर लिया? कमेंट के ऑप्शन में बताएं, क्या आपने बिल्कुल सही रिट्रीट क्लेम किया है, कर लिया है तो मुबारक हो, नहीं किया है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। 3000 सीसी अगर आपने 90 दिनों के दरमियान
सही तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो अभी जिस प्रकार रिट्रीट को हम हयात में अरेंज कर रहे हैं, होटल हयात, फाइव स्टार अकोमोडेशन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम सारे रेनोवियंस के लिए, जिंदगी सपनों से बेहतर होगी, सपनों से बेहतर खूबसूरत जिंदगी को जिएंगे आप विद सौरभ गांगुली, बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेनेडस वेलनेस के साथ वक्त बिताने का मौका, जिंदगी के हर लम्हे को जिएंगे आप। थोड़ा मेहनत करते हैं लोग तो 45,000 सीसी में 394 डेज के लिए इंटरनेशनल टूर, गजब का माहौल होता है। थोड़ा और मेहनत करते हैं लोग 1,45,000 सीसी जब बोथ साइड में कंप्लीट होता है, 7 नाइट 8 डेज के लिए यूरोप टूर पे होते हैं लोग, जिंदगी गजब की होती है, गजब का माहौल होता है, गजब के अरमान होते हैं और उन सारे अरमानों को आप जी पाते हैं। अभी रिसेंटली दुबई ट्रिप हुई और हमारे प्यारे दुलारे और यंग डायनेमिक लीडर मिस्टर इरफान खान भी वहां मौजूद थे, जो अपने शब्दों में उन लम्हों को बयां करेंगे और इनके जब शब्द निकलेंगे, इनके जब जज्बात निकलेंगी, जब इनके मुखारबिंद से इनकी बातें निकलेंगी तो आपकी आंखें भी नम हो सकती है कि जिस इंसान ने 10,000-15,000 से ज्यादा के ख्वाब ना देखे हो और अगर वो इंसान 1,00,000-1.5 लाख रुपए हफ्ते में कमाने के लायक बन जाए तो सर प्राउड तो फील होता है, उस माँ बाप को भी प्राउड फील होता है कि एक ऐसा संतान जिसने 7 पीढ़ी के गरीबी को सदा सदा के लिए दूर करने का रेजोल्यूशन लिया है। गर्व तो होता है उस माता पिता को भी, उस बहन को भी गर्व की अनुभूति होती है कि भाई हो तो ऐसा हो, आने वाले वक्त में जब इनकी जीवन संगनी संग होंगी या हो है तो पत्नी को भी प्राउड फील होता है कि ऐसा हस्बैंड मेरी जिंदगी में है जिसको हजारों लोग उसका स्वागत करते हैं, उसका दीदार करते हैं, उसके सुनने को बेकरार होते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती है साहब, और जब आज इनके मुखारविंद से ये सारी बातों को और इनके जज्बात को सुनेंगे यकीनन आपकी आंखें नम होंगी और आप संकल्प लेंगे कि अब तू ना रुकेगा कभी ना ठहरेगा कभी, क्योंकि आज रेनेटस वेलनेस का प्लेटफॉर्म है तेरे साथ। रेनेटस वेलनेस, रीडिफाइनिंग वेलनेस, हम जिंदगी को फिर से पटरी पे लाने का भी काम करते हैं और हर दबे हुए अरमानों को फिर से पूरा करवाने का काम करते हैं। अगर आपके पास सपने हैं तो उन सपनों को हम पूरा जरूर करवाएंगे, बस खुद पे आपको यकीन होना चाहिए। हमने तो आपका साथ देने का संकल्प ले लिया है, क्या आपने खुद का साथ देने का संकल्प लिया है? सवाल सबसे बड़ा है। हाँ, तो जिसके माध्यम से आए हैं उनका दीदार जरूर करें कमेंट के ऑप्शन में, और ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप उन्हें कॉल जरूर करें। स्वागत करता हूं मैं भारत के यंग डायनेमिक लीडर इरफान खान जी को, जिन्होंने इस कम उम्र में पूरे भारत वर्ष को दीवाना बना दिया है अपने जज्बे से। स्वागत है सर आपका, अपने आप को अपन म्यूट कर सकते हैं, पूरा भारत वर्ष सुनने को बेकरार है आपको। स्वागत है सर, जय हिंद। थैंक यू सर। ऋषिकेश जी आपका दिल से धन्यवाद सर, आपने इतनी ज्यादा तारीफ की मेरी, और सबसे बड़ा थैंक्स आपका सर कि मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया सर। सल्यूट है सर आपको कि आप इतने जज्बे से और इतनी डेडिकेशन से और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रेनिंग को संभाल रहे हो दोस्त, तो मैं आपका दिल से थैंक्स करता हूँ सर। और सभी तमाम देशवासियों को जो इस चैनल को अब देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, असलाम। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरफान खान पंजाब बठिंडा से। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े मंच पे मैं बोल रहा हूँ। उस परमात्मा का थैंक्स करता हूँ और उस इंसान का थैंक्स करता हूँ जिसने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया दोस्तों, इस लाइक बनाया दोस्तों। तो उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। सो आज का जो सेशन है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा कुछ आपको एक तो टॉपिक दूंगा एक दो कहानियां के जरिए कि आप भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें, सक्सेस हो, क्योंकि सभी दोस्त सक्सेस होने के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी डायमंड हैं जो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो एक से एक बढ़कर डायमंड हैं।
वो अपने आप में करोड़पति हैं। अपने आप को फील करें कि वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं जो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों अपनी थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करता हूं। जब मैंने रेना ट्रस्ट में स्टार्ट किया था तो थोड़ा उसके पहले में एक मैं जॉब करता था दोस्तों। 2016 में जुलाई में मैंने एक जॉब को ज्वाइन किया था जिसमें इनकम की बात करूं दोस्तों तो 5,000 रुपए महीना मैं कमा रहा था। 5,000 मंथली इनकम मैं कमाना स्टार्ट किया। तो तब मेरे को लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, जॉब को ज्वाइन किया है, बहुत बड़ी प्राप्ति की है मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो काफी खुश था मैं दोस्तों। और उसके बाद ऐसी जॉब चलती रही चलती रही चलती रही, सुबह जाना शाम को आना, तो जिंदगी एक घुटन महसूस कर रही थी दोस्तों। क्योंकि ड्रीम काफी बड़े थे स्टार्टिंग से, कि यंग एज में ड्रीम काफी होते हैं कि बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कपड़े पहनना, घूमना फिरना, खाना अच्छा, तो ड्रीम काफी थे दोस्तों। तो 2018 में मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है। उस रब्बी रूह को मैं सल्यूट करता हूँ, मिस्टर गुरतेज सिंह, जो 2018 में मेरी लाइफ में आए। तो उससे पहले जॉब के साथ साथ मैं एक और भी काम करता था दोस्तों। मैं थोड़ा गलत संगत में था। गलत संगत में कैसे था कि लड़ाई झगड़े करना, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना मस्ती करना, कुछ गलत संगत में था। तो जब जिस रोज मेरी गुरतेज सर से मुलाकात होती है, सेकंड टाइम वो मेरी मुलाकात थी, उस समय मैं किसी झगड़े में था। तो हो सकता है कि अगर उसमें मैं फंस जाता तो आज मैं रेना ट्रस्ट में नहीं होता, तो मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल नरक हो जाती। तो उसके बाद मेरे को गुरतेज सर मिले, घर में आए, फैमिली रिलेशन था उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा। तो मैं बोला कि सर, बोले कि मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं भाई, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं बड़े गर्व से बोला कि आप अपनी उम्र में किया तो मेरी भी उम्र है, मैं भी ऐसे झगड़े करूंगा ना। तो गुरतेज सर ने बोला कि भाई आदमी थोड़ा टेढ़ा है। तो उन्होंने मेरे को समझाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद रेना ट्रस्ट के बारे में मेरे को बताया। तो जब रेना ट्रस्ट के बारे में बताया तो मेरे को प्लान अच्छा लगा, बल्कि मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ दोस्तों कि अगर मेरी फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट मैंने प्लान देखा था, अगर मैं उसको नो कर देता तो आज मेरी जिंदगी वहीं पे होती। पता नहीं क्या होता जिंदगी में, कहाँ क्या होता मेरे को भी नहीं मालूम है। पर मैं उस परमात्मा का थैंक्स करता हूँ और गुरतेज सर का थैंक्स करता हूँ कि इस प्लान को मैंने रेना ट्रस्ट को जस्ट किया और जस्ट करके स्टार्ट किया दोस्तों। तो स्टार्ट करने का रीजन क्या था वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। कि स्टार्ट करने का रीजन था, घर में एक दो समस्याएं थी, प्रोडक्ट को यूज किया तो वो दूर हुई, जैसे कि मदर को प्रॉब्लम थी, उनका एच भी काफी कम था, फादर साहब को एक दो प्रॉब्लम थी, पेट की एसिडिटी की प्रॉब्लम थी तो वो भी ठीक हुई, मेरे को भी थोड़ा बहुत एसिड बनता था वो भी सॉल्व हुआ। और उसके बाद मैंने रेना ट्रस्ट को करने का डिसीजन कैसे लिया, तो जब गुरतेज सर ने मेरे को प्लान बताया तो प्लान के बाद सर ने मेरे को एक बात बोली, 2.5 करोड़ का जो प्लान उन्होंने मेरे को बताया सर ने कि एक साल में हम 2.5 करोड़ रुपया अर्न कर सकते हैं अगर हम इसको 100% करते हैं। तो सर ने मेरे को बोला कि मेरे से सवाल किया कि आप कितना कर सकते हो। तो मैंने बोला सर कि अगर कम से कम भी बात करूं तो मैं 1% तो कर सकता हूं, क्योंकि अगर 1% की भी बात करें दोस्तों 2.5 लाख एक साल में कमा सकता हूं। अगर मैं जॉब की बात करूं हटके थोड़ा दोस्तों, वहां पे मेरी जो सैलरी थी मैक्सिमम 7,650 के करीब चली गई थी, और उसकी सालाना मैं कैलकुलेशन करूं तो 70,000 से लेकर 80,000 की सालाना कैलकुलेशन बनती थी। तो मैंने सोचा कि अगर 70,000 वहां से आ रहा है तो 2-2.5 लाख इधर से आएगा तो मेरी जिंदगी है जो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसे सोचा मैंने। तो सर ने बोला कि हाँ आप कर सकते हो, 2.5 लाख 3 लाख कमा सकते हो एक साल में। तो मैंने रेना ट्रस्ट को स्टार्ट किया और पहले 6 मंथ में जो मेरा चेक था दोस्तों, 6 मंथ के बाद जब मेरा चेक आया था पहला चेक, तो वो 104 रुपए था दोस्तों, 104 रुपए मात्र। तो मेरे को बहुत खुशी हुई दोस्तों कि मैंने पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया, मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हुई वो 104 रुपए की। तो उस 104 रुपये का मैंने क्या किया, 100 रुपए मैंने निकाले बैंक से जाकर,
तो पहले सैलरी तो आती थी लेकिन वो 100 रुपए की खुशी इतनी ज्यादा थी, उसको निकाल के मैंने परमात्मा का थैंक्स किया, परमात्मा को प्रसाद चढ़ाया कि यार मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है, मेरी अपने दम पे इतनी बड़ी मैं चेक ले पाया, अच्छा लगा मेरे को। तो उसके बाद मैं दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज तक का जो मैं बात करूं दोस्तों, इस सिस्टम से कम अभी स्टार्टिंग है, चिल्लरी कमाया दोस्तों 30 लाख प्लस इसमें से निकाल चुका हूं दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 33 लाख के करीब मैं इसमें सिस्टम से निकाल चुका हूं, लेकिन वो अभी भी दोस्तों चिल्लर है मेरे लिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है रेनाडस की। अगर और बात करूं दोस्तों जो मेरी फीलिंग्स है रेनाडस को लेकर, कि इससे पहले मैंने कभी बठिंडा से बाहर निकल के कोई शहर तक नहीं देखा था दोस्तों, लेकिन रेनाडस के जरिए मैंने 8 रिट्रीट टूर अचीव किए, जिसमें से मैं 2 दिल्ली के टूर लगा चुका हूँ दोस्तों रिट्रीट की जो स्टार्टिंग में थे, 1 आगरा का टूर, और जो 5 टूर थे दोस्तों वो कोरोना की वजह से हम नहीं लगा पाए, और कंपनी का और मैनेजमेंट का दिल से थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मेहनत के जो 5 टूर थे उनके प्रोडक्ट दिए हमें दोस्तों। तो कंपनी को भी सलूट है, मैनेजमेंट को भी, कि उन्होंने हमारी इस फीलिंग को समझा, हमारी अचीवमेंट को, हमारी जो प्राप्ति थी उसको हमें दिया दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों दुबई टूर के बारे में जब मेरे को कॉल आई दोस्तों कंपनी में से, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था दोस्तों कि मैं दुबई जाने वाला हूँ। जब मेरे को कॉल आई थी दोस्तों मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। पासपोर्ट क्यों नहीं था, कि कभी सोचा ही नहीं था कि कभी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट तो छोड़ो दोस्तों, रेनाडस में आकर पैन कार्ड की भी जो अहमियत है वो पता चले दोस्तों। उसके पहले ये भी नहीं मालूम था कि पैन कार्ड क्या चीज होती है, उसकी क्या जरूरत होती है, उसकी क्या अहमियत होती है दोस्तों। तो पासपोर्ट बनवाया, बहुत खुशी हुई दोस्तों। और जब टूर करीब आ रहा था, शॉपिंग कर रहे थे, बहुत मजा आने वाला था, तो फीलिंग काफी उत्साहित थी दोस्तों। फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में सफर किया था दोस्तों, इसके पहले कभी सोचा नहीं था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, गुरतेज सर का भी थैंक्स है इसमें, कि उन्होंने दुबई टूर में जब जाना था तो दिल्ली से हमारी बॉम्बे के लिए फ्लाइट थी, वहां से दुबई के लिए फ्लाइट थी, तो चार चार बार हम जहाज में सफर किया दोस्तों। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी दोस्तों, क्योंकि फीलिंग जो होती है उसे बयान नहीं किया जा सकता, उसको अगर मजा लेना हो तो उसको हमें अचीव करना होगा दोस्तों। जैसे कि दुबई में जाकर बहुत कुछ सीखने को मिला, कि जो वहां के जो शेख मोहम्मद है उन्होंने एक 11 साल की उम्र में कितना बड़ा विजन लिया दोस्तों, कि मैं दुबई को नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा दोस्तों। तो वहां से जाकर हमने काफी कुछ सीखा अपनी जिंदगी के बारे में, कि कैसे डिसीजन लेके आगे बढ़ना है दोस्तों। तो वहां पे एक बुर्ज खलीफा घूमे और गाला डिनर किया, और भी एक्सपो 2020, और भी एक बहुत खतरनाक झूला था दोस्तों, मे बी वर्ल्ड का नंबर 1 हाईएस्ट झूला था, जिसकी ऊंचाई करीब 150-200 मीटर की थी अप्रोक्सीमेटली, इतनी ऊंचाई थी दोस्तों। उस पे भी मजा लिया जिंदगी का। उससे चढ़ने से पहले गुरतेज सर ने एक बात बोली थी, मैंने बोला सर मैं नहीं चढ़ूंगा इस पे, तो गुरतेज सर ने मेरे को एक बात बोली थी, वो मेरे को लगता है कि वो पूरी जिंदगी में मेरे काम आने वाली बात है दोस्तों। किसी भी सिस्टम में कहीं भी हमने कामयाब होना है दोस्तों, तो वो मेरे को दिल पे टच की दोस्तों वहां पे, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला कि भाई डर एक अलग चीज है, गिरना एक अलग चीज है। तो मैंने सोचा कि डर एक अलग चीज है, गिरना अगर उससे गिरे तो वो अलग चीज है, डरना एक अलग चीज है। तो मैंने डिसीजन लिया और उस झूले पे चढ़ा दोस्तों, और वो डिसीजन मेरे लिए बहुत बड़ा फ्यूचर में क्रांति लाने वाला दोस्तों। क्योंकि बिजनेस में भी ऐसे होता है, हम डरते हैं बिजनेस करने से, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमें कोई नो ना बोल दे, कहीं ऐसा ना बोले, लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों लोग। अगर आपने अपने मन से डर निकाल दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। जो चीज मैंने फील किया दोस्तों, तो
और थोड़ा आपको बताऊंगा मैं दोस्तों कि ईगल होता है जो बाज, उसकी एज होती है जो अप्रोक्सीमेटली 70 साल की होती है दोस्तों, लेकिन उसकी जो एज के बीच में एक चैलेंज आता है दोस्तों, बहुत बड़ा चैलेंज, जब वो 40 ईयर का होता है दोस्तों, 40 साल का होता है, तो उसको एक चैलेंज आता है बहुत बड़ा कि उसकी जो चोंच है वो शिकार करना बंद कर देती है, वो नीचे को झुक जाती है और उसके जो पंख हैं वो उसके सीने के साथ लग जाते हैं, वो भारी हो जाते हैं, और जो उसके नाखून हैं जिसमें से वो शिकार करता है वो भी बिल्कुल मुड़ जाते हैं, वो शिकार करने के काबिल नहीं रहते। तो वो क्या करता है, उड़ान भरता है और एक ऊंची चोटी पे जाकर बैठता है, वहां पे जाकर वो सबसे पहले अपनी चोंच को तोड़ता है, किसी पत्थर के साथ उसको टकराता है, टकराता है, टकराता है, उसको तोड़ता है, उसको बहुत दर्द होता है, खून भी बहता है, दर्द भी होता है। उसके बाद वो अपने पंजों को ऐसी पत्थर के साथ रगड़ 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 उसको तोड़ देता है दोस्तों, और जब नई चोंच आती है तो उसके बाद वो अपने पंखों को अपनी चोंच से निकालता है दोस्तों, ब्लड वहां से भी बहुत बहता है दोस्तों, दर्द उससे भी बहुत होता है जब वो अपने पंखों को अपनी चोंच से उखाड़ कर फेंकता है, उखाड़ कर फेंकता है। तो जे 5 और 6 महीने उसको स्ट्रगल का मुंह देखना पड़ता है दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ता है दोस्तों, और 6 महीने के बाद जब वो नई उड़ान भरता है दोस्तों, तो उसके बाद वो 30 साल और जीता है दोस्तों। अगर वो सोचे कि 40 की एज के बाद मैंने ये नहीं करना है, ये दर्द नहीं सहना है, तो वो 30 साल की एज और नहीं जी पाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी माड़ा वक्त अच्छा वक्त आता रहता है दोस्तों, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर है दोस्तों कि उसके साथ स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है या उसके आगे घुटने टेक कर अपने आप को फेलियर की लिस्ट में डालना है दोस्तों, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है दोस्तों कि वो आपको कामयाब होने से रोक दे, कामयाब होने से तो अगर आपको रोक सकता है दोस्तों तो वो आप खुद हैं दोस्तों। अगर आप चाहें डिसीजन लें कि मैं करूंगा, तो कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती दोस्तों, अगर आप डिसीजन लेकर चले तो। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा रिट्रीट के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि रिट्रीट क्या चीज है, रिट्रीट एक ऐसा एहसास है दोस्तों कि जब आप उसको अचीव करके वहां पे जाओगे, 2 days 1 night की ट्रेनिंग होगी, आप लखपति करोड़पति अरबपति लोगों के साथ वहां पे माहौल में रहोगे दोस्तों, तो आप अपने आप में करोड़पति बन जाओगे दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों कि अगर आप उस रिट्रीट को अचीव करके वहां पे जाते हो दोस्तों, 5-star होटल में 4-star होटल में जाते हो, तो आप अपने आप को करोड़पति महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है दोस्तों, रिट्रीट की इतनी बड़ी पावर है दोस्तों। जैसे कि अभी 31 दिसंबर को रिट्रीट क्लोज होने जा रहा है, जिन किन्हीं दोस्तों का कुछ ना कुछ कम पड़ रहा है उसको अचीव करें, क्योंकि 2022 में भी 4 रिट्रीट और आने वाले हैं दोस्तों। तो आज जो भी दोस्त इस सिस्टम में नए हैं तो उनको 2022 के जो 4 रिट्रीट हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। अगर ये रिट्रीट को वो अचीव करके उन 4 रिट्रीट में अपने साथ 5-5-5 लोगों की गिनती बढ़ाते हैं दोस्तों, तो आने वाले 2022 में आप भी करोड़पति बन सकते हो। तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक दे दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। और अगली बात है दोस्तों, जो हमारा एनुअली टूर चल रहा है 1,45,000 cc का, वो भी जिन लोगों का कम है दोस्तों, तो आप उसको भी पूरा करें, क्योंकि वो दुबई से भी और जबरदस्त फीलिंग वहां पे आने वाली है दोस्तों। दुबई में तो हम 3 night 4 day घूमे थे दोस्तों, लग्जरी गाड़ियों में, लिमोजिन में, लैंड क्रूज में, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियों में मजे लिए। तो आप जो कजाकिस्तान का जो टूर है 31 मार्च
उसकी लास्ट क्लोजिंग है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो वो साइबर नाइट 8 डे का टूर है दोस्तों। उसकी फीलिंग जो होगी दोस्तों वो आप वहां पे जाके फील कर सकते हो, उसको भी बयान नहीं किया जा सकता। और एक खुशी की बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे को मालूम है पड़ी है कि जो हमारी इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी का 1 रुपया कजाकिस्तान में जाकर 5 रुपए बन जाता है दोस्तों। तो आप वहां पे शॉपिंग के जो मजे लोगे वहां पे जाकर, अगर आप हम जहां से 10,000 रुपए लेकर जाते हैं इंडियन करेंसी का, तो वहां पे जाकर वो 50,000 बन जाएगा दोस्तों। तो फीलिंग क्या होगी, वहां पे शॉपिंग करना, बच्चों के लिए टॉयज लेना, खाने पीने की चीजें लेना और अलग से घूमना, कितनी अच्छी फीलिंग है दोस्तों। तो 31 मार्च उसकी भी लास्ट डेट है, उसको भी जरूर अचीव करें जिन जिन लोगों का वो कम है दोस्तों। तो वहां पे भी बहुत मजा आने वाला दोस्तों। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों, मैं अपने आप को फील जो करता हूँ कि परमात्मा ने इतने मैंने अच्छे क्या कर्म किए थे कि मेरे को रेनाडस का प्लेटफॉर्म दिया। कि वहां पे जो दुबई में 153 लोग गए थे, 153, उनमें से सबसे कम उम्र मेरी थी दोस्तों। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि परमात्मा ने मेरे को इस लायक समझा। तो मेरी अभी जो एज है दोस्तों मेरी 25 ईयर एज है दोस्तों। तो आप भी अगर इस ट्रेनिंग को यंगेस्ट सिस्टर्स एंड ब्रदर सुन रहे हैं तो वो भी डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों आज, कि आप भी एक कामयाब पर्सन बन सकते हो आने वाले नेक्स्ट ईयर में, अपने पापा के, अपने मम्मी के, अपने ब्रदर के, अपने सिस्टर के हीरो बन सकते हो आप। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो आप भी आने वाले 2022 के हीरो बन सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, ज्वाइन कीजिए और जुनून के साथ इसको काम कीजिए, 100% इसको दीजिए। तो रेनाटस आपको, अगर आप इसको 100% देते हैं तो वो आपको 200% आपको वापस देती है दोस्तों। ये एक सच्चा कंसेप्ट है दोस्तों। परमात्मा ने जो रेनाटस सिस्टम बनाया दोस्तों, एक सच्चा सिस्टम है दोस्तों। तो एक स्टोरी और बताऊंगा दोस्तों, 5 मिनट और लूंगा मैं मात्र आपकी, उसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा दोस्तों। एक जहाज ने टेक ऑफ किया सफर करने के लिए, तो उसमें काफी सारे लोग थे। तो जब वो आसमान में जाकर ऊपर स्टेबल हुआ तो उसके बाद वो क्रैश हो गया दोस्तों। क्रैश होने के बाद हुआ क्या, एक आदमी उसमें से बच गया दोस्तों। वो किसी टापू पे जाकर गिर गया, उसके आसपास पानी था दोस्तों, वो किसी टापू पे जाकर गिरा। तो उसने परमात्मा को गालियां देना स्टार्ट की, क्या आपने मेरे को कहां फेंक दिया। एक दो दिन वो परमात्मा को गालियां देता उसने सोचा कि ऐसे तो जिंदगी अब नहीं चलेगी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई दोस्तों, झोपड़ी बनाई, उसमें रहना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, वो एक सुबह वो खाने की चीजें ढूंढता कहीं दूर निकल गया और उसके झोपड़े में आग लगी दोस्तों। उसका झोपड़ा था, वो झोपड़ी जो उसने डाली थी अपने रहने के लिए कि उसको जंगली जानवर आकर खाना जाए, तो वो झोपड़ी उसकी छव आकर देखा उसने जल चुकी थी दोस्तों। वो किसी वजह से आग लगने से जलकर राख हो गई, उसमें से धुआं निकल रहा था। तो उसने फिर परमात्मा को गालियां देना स्टार्ट कर दी। तो उस धुएं को उड़ता देखकर कुछ ही घंटों बाद उसे एक हेलीकॉप्टर लेने आया दोस्तों। और जब उस हेलीकॉप्टर वाले लोगों से उसने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं जहां पे हूं, तो उस हेलीकॉप्टर के जो पर्सन आए थे उसको लेने, तो उन्होंने बोला कि आपने हमें धुआं जो निकाला था उसकी वजह से हमें पता चला कि आप किसी मुसीबत में हैं, तो हम आपको लेने आए दोस्तों। तो ये बात याद रखना दोस्तों कि जब भी परमात्मा हमारी जिंदगी में धुआं निकालता है तो उससे डरना नहीं दोस्तों, उसके आगे बहुत बड़ी जीत होती है दोस्तों। तो कई लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं जब उनकी
जिंदगी में स्ट्रगल करते करते हार हो जाती है दोस्तों, तो वो परमात्मा को गालियां देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए दोस्तों, हो सकता है उसके आगे की जो सीढ़ी है वो सफलता की है दोस्तों। इस कहानी का मैसेज यही है मेरा दोस्तों कि जब भी जिंदगी में धुआं निकलता है तो सफलता आगे वाली सीढ़ी में होती है दोस्तों। मेहनत करते रहिए आप। अगर मैं अपनी सफलता का राज बताऊं दोस्तों, जो मेरी 3 साल की 2.5 साल की जर्नी थी, वो आपको मैं चंद शब्दों में बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहां तक आने का सफर था जो मेरा, उसमें मेरे काफी दोस्त, मेरी टीम लीडर्स, उनका थैंक्स करना चाहता हूं मैं, और मेरे जो बठिंडा के जो सभी लीडर्स हैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मैं सीखकर, सभी लीडर से मैं थैंक्स करना चाहता हूं, जो सभी सीनियर लीडर हैं उनसे मैं सीखकर आगे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं दोस्तों। गुरप्रीत सर जी, मनोज सर जी, सुखपाल जी, रवि अरोड़ा सर, रविंदर अरोड़ा सर और राज अरोड़ा सर, और मेरे मेंटर मिस्टर गुरतेज सर, जो मैं चंद शब्दों में आपको अपनी सफलता का राज बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो मेरी सफलता का राज है मिस्टर गुरतेज सिंह। अगर वो मेरी लाइफ में आए तो मैं सफल हुआ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में 20 साल से स्ट्रगल कर रहे थे दोस्तों, उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस था दोस्तों। वो सफल इंसान थे कि उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस था। 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर मेरी कामयाबी का राज है दोस्तों, अगर मैं उनके साथ अटैच था तो मैं आज सफल हूं दोस्तों। क्योंकि एक कामयाब इंसान के साथ अगर आप रहना स्टार्ट कर देते हो तो आने वाले कुछ महीनों में अगले कामयाब इंसान आप होगे दोस्तों। आपकी संगत के ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखती है ये बात दोस्तों। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि अगर पानी का गिलास उसको आधा भरा जाए दोस्तों, तो उसमें हमारा नजरिया पहचाना जाता है। कि अगर किसी इंसान से हम पूछें कि ये भाई आधा भरा है या आधा खाली है दोस्तों, तो उसमें से दो, कोई तो बोलेगा आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा खाली है। तो उसमें नजरिया आपका जो ऑरा मंडल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मेरी सफलता का राज है मिस्टर गुरतेज सिंह। उनके साथ रहकर मेरा जो ऑरा मंडल है वो पॉजिटिव हुआ, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो ओपन हुआ कि इससे क्या काम ले सकता हूँ मैं दोस्तों। इसकी पावर का पता चला मेरे को कि अगर इसको फील करके, इसको मैसेज देकर करोड़पति बन सकते हैं दोस्तों, तो क्यों ना बना जाए, इसको क्यों ना फील किया जाए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रेनाडस के पहले एक बाइक पे चलने वाला लड़का आज 12 लाख की गाड़ी टाटा नेक्सन को ड्राइव कर रहा है। तो ये रेनाडस की पावर है दोस्तों। और इस सिस्टम के जरिए से मैंने अपने छोटे भाई को कनाडा में सेट किया दोस्तों। अगर रेनाडस में ना होता दोस्तों मैं, तो उसका ड्रीम भी पूरा नहीं कर पाता दोस्तों। जो आज से 3 साल पहले मेरे छोटे ब्रदर ने ड्रीम लिया था कि मेरे को कनाडा में जाकर स्टडी करनी है, वहां पे सेटल होना है, तो हो सकता है वो भी मैं उसका पूरा नहीं कर सकता दोस्तों। क्योंकि इतने मेरे पास, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं थे कि 20-22 लाख लगाकर उसको बाहर भेजा जाए। तो वो भी मेरा यहाँ से ड्रीम जो कंप्लीट हुआ दोस्तों, मेरे को बहुत खुशी हुई दोस्तों। अभी मेरा छोटा भाई कनाडा में है तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। तो आप भी सभी अगर कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो सिस्टम को समझिए, इस सिस्टम की पावर को समझिए, अपने अपलाइन की बात को माने, अपने टीम के साथ ईमानदारी के साथ काम करें, रिट्रीट की पावर को समझें। अगर रिट्रीट, अगर आप 10 रिट्रीट को अचीव करते हो तो आप अपने पेआउट को देखना बंद कर दो दोस्तों। अगर आप 10 रिट्रीट को अचीव करते हो, तब तक आपका सिस्टम इतना बड़ा हो जाएगा कि आप अपने पेआउट को देखना ही बंद कर दोगे दोस्तों। इतनी बड़ी प्राप्ति प्राप्त कर लोगे आप दोस्तों।
तो मेरा यही मैसेज है दोस्तों कि सभी दोस्त अभी रेनाटस की स्टार्टिंग है दोस्तों। जो लोग बोलते हैं कि रेनाटस में जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी तो पूरा इंडिया कवर करना है दोस्तों रेनाटस में, आने वाले 2 साल में 3 साल में देखना इस सिस्टम में से कितने लोग करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। अभी भी इस सिस्टम में से 3 साल में मात्र 150 लोग करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों, जिनकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी बंगला और भी क्या क्या ड्रीम प्रदेश घूम के आ चुके हैं दोस्तों। तो आप भी इस सिस्टम में से फिट होकर बैठ जाएं दोस्तों। ये एक ट्रेन है दोस्तों, ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली है दोस्तों। अगर आप रास्ते में उतर जाओगे तो बहुत पछताओगे। आप इसकी टिकट लेकर इस ट्रेन में बैठ जाइए दोस्तों, सिस्टम आपको अपने आप अमीरपुर तक ले जाएगा दोस्तों। थैंक यू सभी का। अगर मेरी बातों से किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू सभी का। थैंक यू माय मेंटर, माय ग्रेट गुरु मिस्टर गुरुदेव सर। थैंक यू ऋषिकेश पाठक सर। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू इरफान जी, क्या सौम्यता पूर्वक आपने अपनी बातों को रखा, जो आपकी अभिव्यक्ति थी, जो आपने रिप्रेजेंट किया जिस अंदाज में, गजब। मतलब एक ही लाइन को कनेक्ट करके आपने हृदय तक बातों को पहुंचा दिया लोगों के। रियली सलाम है आपके जज्बे को, और लोगों को ये प्राउड फील हो रहा है कि अगर कोई भाई सच में भाई वाली फीलिंग दिखा सकता है, एहसास करा सकता है लोगों को, तो इरफान खान जैसे ही शख्सियत वो हो सकते हैं जिसने अपने भाई को कनाडा शिफ्ट किया। अपनी कमाई से मेहनत कर रहे हैं आप, अपने सपनों की कार ड्राइव कर रहे हैं। जो आपने अपने जीवन के बारे में बताया है, जिन लोगों ने अभी आपको एहसास मात्र किया भी होगा, वो भी आज संकल्प लेंगे कि मैं फास्ट ट्रैक से काम करते हुए अपने मकाम को अचीव करूंगा। तो जितने लोग आज इरफान खान जी की जिंदगी को सुन चुके हैं, मैं आपसे बस एक ही दरख्वास्त करूंगा, जिसने भी आपको आज की ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है, बस उसका हाथ थाम लीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दोराहे पे ऋषिकेश पाठक से आपकी जरूर मुलाकात होगी फिजिकल ट्रेनिंग में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तब तक आप उनका हाथ पकड़ के रखिए, और आप कामयाबी के शिखर तक उस वक्त तक जरूर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी रीजनल एंड अबव लीडर्स हैं, जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड अबव लीडर हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एंड अबव लीडर हैं, इनके अंदर वो काबिलियत है कि आपको कामयाब बना देंगे। और सारा ट्रेनिंग मैन्यूअल इन लोगों के पास उपलब्ध है, आपको 6 महीने में उस कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। तो आज के आज फैसला लें, जितने सवाल है आज के आज आप पूछें, और जब सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो यकीन मानिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो आज ऋषिकेश पाठक और इरफान खान की तरफ से बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे किसी बड़े दिग्गज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।